हेलो ब्रेवन वेलकम टू टू हेज और आज के टेक्नो शुरू करते हैं हैदराबाद से हम आए हैं विवो के इवेंट में छः बजे इवेंट शुरू होने वाला है तो मैंने सोचा उसके पहले कुछ वीडियोस बना देते हैं कुछ अपडेट दे देते हैं आप लोगों को टेक्नोस की सो लेट्स स्टार्ट तो सबसे पहले तो आप लोगों को बता रहे तो मोटोराला ने अपना मोटो G5 फाइनली जो वो इंडिया के अंदर आज लॉन्च कर दिया है और उसकी जो प्राइसिंग रखी है वो इलेवन ट्रिपल नाइन यानी कि ट्वेल्व थाउजेंड रुपीज़ की रखी है और ये जो वो रिसेंटली मोटो G5 फाइव प्लस जो लॉन्च हुआ था उसका एक लाइटर वेरियंट है और यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस इस दोनों फ़ोन के अंदर जहाँ पे प्रोसेसर से लेके डिस्प्ले से लेके बैटरी से लेके और कैमरे भी यहाँ पे जो वो काफ़ी सारा जो वो चेंजेस किया गया है यहाँ पे आप लोगों को बता रहे थे कि Moto G5 ए प्लस जो सिर्फ एक वेरिएंट ही उन्होंने लॉन्च किया है जो कि थ्री जीबी रैम और आपको सिक्सटी जीबी की स्टोरेज मिलती है रिमेस्फिकेशन की बात करें तो आपको फाइव इंच की स्क्रीन जो वो फुल एच डी की आईपीएस डिस्प्ले मिलती है आपको गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन के साथ में भी जो वो आता है कैमरे की बात करें तो यहां पे आपको थर्टीन मेगा पिक्सल का रियर फेसिंग कैमरा मिलता है जिसके अंदर हमें जो एफ टू पॉइंट ओ एप के साथ में आता है और साथ में आपको फाइव मेगा पिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है जो कि एफ टू पॉइंट टू एप के साथ में देखने को मिलता है यहां पे आपको जो बैटरी की बात करें तो टू थाउजेंड एट हंड्रेड एमच के आपको बैटरी मिलती है जो कि फास्ट चार्जिंग सपोर्ट

जाती हमें फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिलता है बहुत सारे एडिशनल फीचर्स मिलते हैं एंड्रॉइड सेवन आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है गूगल असिस्टेंट का फीचर मिलता है और वही सारे फीचर्स मिलते हैं जो हमें मोटो जी फाइव प्लस में देखने को मिले थे देख लेते हैं कि ये फोन कितना चलेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा तो माइक्रोमेक्स का भारत टू हमें जैसे कि पता है कि माइक्रोमैक्स अपने भारत सीरीज के के, स्मार्टफोन जो जो इंडिया में लॉन्च कर रहा है जो कि बजट कैटेगरी के के फोन्स हो लेकिन यहाँ पे आप लोग बता रहे थे कि माइक्रोमैक्स के भारत टू के कुछ यहाँ पे लाइव इमेजेस सामने आई है और यहां पे बताया जा रहा है कि ये जो फोन है वो साढ़े तीन रुपए के अंदर जो वो इंडिया में सोल्ड होना शुरू होगा अब यहाँ पे स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं और प्राइसिंग की बात करते हैं यार फोर इंच की आपको एफ की डिस्प्ले मिलती है स्पीड ट्रम का प्रोसेसर है फाइव की आपको रैम मिलती है टू का आपको रियर कैमरा है जीरो का आपको सेल्फी कैमरा और यहाँ पे आपको जो थर्टीन हंड्रेड एमएच की बैटरी मिलती है यह फीचर फोन से भी पंद्रह सौ रुपए साढ़े तीन हजार रुपए का फोर जी बोल्टी को नहीं कर रहे हो लावा जैसे फोन, फोन लेके आए उसके अंदर भी इससे अच्छे फीचर्स मिल रहे हैं है हमें तो इसके अंदर और उसमें कोई फर्क नहीं हो जाता और जियो के तीन हजार रुपए में काफी अच्छे फोन मिलते हैं तो मुझे नहीं लगता माइक्रोमैक्स अब ज्यादा टिकने वाला है अगर ऐसे हरकत फ्यूचर में भी माइक्रोमैक्स करता रहेगा तो माइक्रोमैक्स का फ्यूचर इंडिया

डिस्कनेक्ट होगा आपको एक एस एम एस आएगा फ्लैश मैसेज के जरिए और आपको पता चल जाएगा कि ये किसने कॉल किया है तो ये जो फीचर फीचर है ट्रू ट्रू कॉलर कॉलर का बहुत बहुत जल्दी हमें में फीचर में फीचर में फ्यूचर ऐसा कि एयरटेल के के अलावा भी हम बहुत सारे के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं और फ्यूचर में हो सकता है हमें जियो के और दूसरे जो भी फीचर फोन आने वाले फ्यूचर में शायद हमें ये फीचर भी जो देखने को मिल सकता है तो जैसे कि कोई एक एप्लीकेशन आता है और कुछ फीचर्स आते हैं या कोई एक फोन आता है कुछ फीचर्स आता है तो मार्केट में कॉम्पिटिशन की लाइन लग जाती है तो यहां पे जैसे कि हमें पता है भीम एप्लीकेशन आया और उसके बाद में फिर ट्रू कॉलर का भी पे आया और बहुत सारे एप्लीकेशन आए होंगे लेकिन यहां पे अगर आपको मैं कहूंगा तो आप जाएंगे कि व्हाट्सअप भी अपना खुद का एक पे एप्लीकेशन लेके आ रहा है जी हाँ जैसे कि डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव हुआ है जहां पे सारे हमारे गवर्नमेंट ने यानी कि मोदी जी ने कहा है कि आप सब कुछ जो इंडिया में डिजिटल करो तो व्हाट्सएप ने कहा कि इंडिया हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है सिर्फ व्हाट्सएप ही ज्यादा यूजर्स नहीं है बल्कि उनकी दूसरी भी एप्लीकेशन वो इंडिया में लॉन्च करेगा सबसे पहले जो शुरुआत कर रहा है वो व्हाट्सएप के पे एप्लीकेशन से कर रहा है जहां पर एक पर्सन दूसरे पर्सन को जैसे कि हम बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करते हैं जैसे कि भीम में करते हैं या दूसरे किसी एप्लीकेशन में करते हैं कुछ ऐसा फीचर भी व्हाट्सएप इंडिया में जो भी लेके आते हो क्या आप लोगों को पता है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर कौन सा ज्यादा

मैक को आता है उसके बाद फाइव पॉइंट सेवन सेवन परसेंट पे तो मैं एक बात कहता हूँ कि एंड्रॉड जो हमें चीपेस्ट से चीपेस्ट फोन में भी देखने को मिल जाते दो तीन हजार रुपए के फोन भी आ रहे हैं चाइना के काफी सारे फोन आ रहे हैं तो सब में एंड्रॉइड मिल रहा है इसलिए एंड्रॉड की तादाद बढ़ रही है एप्पल तादाद नहीं बढ़ा सकता है क्योंकि एप्पल खुद के अपने फोन चलाता है और उसी में हमें आयोज या जो भी सिस्टम है दे वो देखने को मिलता है और इसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट में, में भी मिलता है और मैक में भी मिलता है इसलिए एंड्रॉइड ऐसा एक ओपन सोर्स हो गया है अब हम हाँ जो भी फोन देखते हैं फ्यूचर में हमें उसके अंदर जो एंड्रॉइड अपनी सिस्टम देखने को मिलता है तो फाइनल में आप लोगों को बता रहे थे कि और प्लस लॉन्च हुए साथ में हमें एक बिग करके उनका खुद का

ट प्लस में हमें प्रीवियस सैमसंग के जो फोन थे उसमें भी जो बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है क्योंकि काफी हैंडी और यूजफुल फीचर है ये ये तो जैसे कि ये आएगा फ्यूचर में और जैसे कि कुछ टेबल वर्जन आएगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा और आप जाके अपने प्रीवियस सैमसंग के में जो, जो यूज कर सकते हैं आज की यहीं टेक्निक खत्म होती है उम्मीद करता है आपको आज की टेक्निक पसंद आएगी काफी छोटी सी टेक्नोक्स मैंने बनाने की सोचा हो अब मुझे पता नहीं कितनी बड़ी बनी होगी लेकिन बस ये जो भी है और काफी अकेला फील कर रहा हूं मैं यहाँ पे और अब छह बजे का इवेंट है छह बजे इवेंट में जाएंगे फिर कुछ हैंडसॉन होकर होगा देंगे वाईफाई कनेक्ट करके और इसी तरीके से आप लोगों को अपडेट करते रहेंगे मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ टिल ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग